नमस्कार। झारखंड CMMSS 2022 अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, इसमें साइंस के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इस स्कॉलरशिप परीक्षा में साइंस के 30 प्रश्न थे और उसका जो क्रमांक है वो शुरू होता है, प्रश्न का क्रमांक सीरियल 91 से 120 तक। तो आइए इन प्रश्नों को के आंसर क्या है देखें, और जिन्होंने परीक्षा दी है वे इसके आधार पर अपने अंकों को जोड़ सकते हैं, अंकों का आकलन कर सकते हैं, और जो आने वाले वर्षों में इस तरह की और स्कॉलरशिप परीक्षा देने वाले हैं जैसे CMMSS या NMMS राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति, तो उनके लिए ये काफी उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 91, सीड ड्रिल का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है सोइंग, यानी बीज बोने के लिए इस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 92, चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह है किण्वन या फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी दवा एंटीपायरेटिक है? तो एंटीपायरेटिक दवा उस दवा को कहते हैं जो बुखार को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक और एक और दवा होती है एंटीबायोटिक, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइए। एंटीबायोटिक होती है तो इसमें एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेकिन एंटीपायरेटिक है पैरासीटामोल। कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है? आप जो बाजारों में स्वेटर वगैरह मिलता है तो ज्यादातर स्वेटर एक्रेलिक का होता है, ये कृत्रिम ऊन होता है। इसका प्रयोग ज्यादा इसलिए किया जाता है कि यह सस्ता होता है, अगर आप प्योर ऊन लेंगे तो वो महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 95, बेकेलाइट एक उदाहरण है, तो बेकेलाइट उदाहरण है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संक्षारित नहीं होती है? संक्षारित यानी कोरोडेड, जिसमें कोरोजन कम होता है, तो ये होता है सोना। सोना में सोना जो है ये जो धातु है ये सबसे इन इन चारों में सबसे कम क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 97, सबसे अच्छा विद्युत चालक है, तो ये हम सभी जानते हैं, ये है चांदी। तो फिर चांदी के तारों को हम लोग बिजली के तार के रूप में क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? सिंपल सा उदाहरण, सिंपल सा इसका कारण है कि यह काफी महंगा होता है। निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है? पेट्रो रसायन यानी पेट्रोकेमिकल, तो पेट्रोकेमिकल उसे कहते हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, तो यह है एसीटोन। एलपीजी का प्रमुख अवयव है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो गैस होती है एलपीजी, ये कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, इसका मिक्सचर होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में ब्यूटेन ज्यादा डाला जाता है, किसी क्षेत्र में प्रोपेन, तो यहां हम प्रोपेन को आंसर मान रहे हैं।
निम्न में से कौन कोयला उत्पाद नहीं है, कोयला उत्पाद यानी कोयले से नहीं बनता है, तो ये है चूना। क्वेश्चन नंबर 101, 101, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अनवीकरणीय यानी नन रिन्यूअल, जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पवन ऊर्जा, पवन तो खत्म होने वाली चीज नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा, ये जो समुद्र की लहरें होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ये भी क्षमापनी हो सकता है। एक है प्राकृतिक गैस जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है, ये नवीकरणीय नहीं है, है ना, अर्थात अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 102, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है। देखिए यहां पर इंग्लिश में दिया है कैलोरीफिक वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू, हीट वैल्यू, इंटरनल एनर्जी, और हिंदी में दिया है ऑप्शन कैलोरी मान, सार्थक मान, ऊष्मीय मान, आंतरिक ऊर्जा। अगर हम ये इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमारा आंसर होगा कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन जब हिंदी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो ये होता है ऊष्मीय मान। तो इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं, ये इसके ऑप्शन का जो इंग्लिश से हिंदी किया गया है ट्रांसलेशन वो गलत है। अब इसमें किसमें नंबर दिया जाएगा, ये तो फिर जो जैक है वही निर्णय लेगी। क्वेश्चन नंबर 103, सभी संकटापन्न प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कही जाती है, काही नहीं सॉरी, ये कही जाती है, तो ये है रेड डेटा बुक। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना है 1972। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, पौधों की कोशिका, पौधों की जो कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति। तो हम जानते हैं कि पौधों की कोशिका में एक कोशिका भित्ति भी होती है, तो ये होता है सेल्यूलोज का। प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल, इसका जो बाह्यतम लेयर होता है, स्तर होता है, वो क्या होता है? ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पौधे कोशिका का सबसे बाह्यतम वो कोशिका भित्ति होता है। कौन मादा जनन अंग नहीं है, यानी फीमेल में ये कौन अंग नहीं होते हैं? ये है वास डिफरेंस, ये पुरुषों में होते हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये मादा में होते हैं। केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है, तो ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। एडम्स एप्पल है, तो एडम्स एप्पल हम जानते हैं कि ये स्वरयंत्र का जो निकला हुआ किशोर जो उम्र में हो जाते हैं उनके गले में ये थोड़ा निकला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये है क्या? परिवर्धित स्वरयंत्र, एनलार्ज लैरिंग्स। प्रश्न संख्या 110, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, तो हम जानते हैं कि लिंग क्रोमोसोम 2 होता है, तो पुरुषों में जो होता है वो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और महिलाओं में दोनों एक्स होता है, तो यहां से पुरुषों का पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 111, सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है, अर्थात ठीक लंबवत जो बल लगता है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट या प्रनोद। प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 112 बहुत आसान है। साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है। जब साइकिल हम चलाते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे वो टायर घिसता है। ऐसा ही मोटरसाइकिल और कार वगैरह में भी होता है। तो ये जो बल है जो टायर को घिस रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 113, घर्षण कम करने वाला तत्व कहा जाता है। ये है लुब्रिकेंट। हम लोग गाड़ियों में या जहां भी घर्षण की संभावना होता है ये लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 114, एक पेंडुलम 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, इसका समय काल है। तो हम पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होता है दोलन बटा समय, यानी प्रति सेकंड जो दोलन होता है वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां हमारा दोलन होता है हो रहा है 40 और समय है 4 सेकंड, यानी 10 और इसका यूनिट है हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। और लेकिन हमें तो निकालना है समय काल यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू होता है 1/f यानी 1/10 इसका टू 0.1 और ये सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 115, 115, किसी पिंड की माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? वो है आयाम यानी एम्पलीट्यूड। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का पूर्ण रूप है। हम लोग अपने घरों में एलईडी बल्ब जलाते हैं, एलईडी टीवी का उपयोग करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये है लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 117, 117, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह है सिस्मोग्राफ, इंग्लिश में कहते हैं सिस्मोग्राफ और हिंदी में इसे भूकंप मापी भी कहते हैं। भूकंप मापी। क्वेश्चन नंबर 118, पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण होता है यानी जिस दर्पण को हम लोग पीछे की ओर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल में, कार में और दूसरी गाड़ियों में एक दर्पण लगा होता है जिसमें चालक, जिसकी सहायता से चालक पीछे वाले जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वस्तुएं हैं उनको देखते हैं। तो वो जो दर्पण होता है आप स्वयं चेक कर लेंगे गाड़ियों में, अपने मोटरसाइकिल वगैरह में, वो होता है उत्तल दर्पण। इसकी खासियत क्या है, ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो एक सीधा बनता है तो इससे चालक को जो गाड़ी चला रहा है उसको सुविधा होता है। दूसरा, छोटा बनने के कारण, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनने के कारण काफी दूर तक का हमें दृश्य या वस्तु गाड़ियां नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये है शनि, शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा है। आकार में बृहस्पति बड़ा है। यह गौर करें कि अगर ग्रह का आकार हम देखेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है इन चारों में, लेकिन जो इसके उपग्रह है वो शनि के ज्यादा है। तो एक प्रश्न मैं अभी पूछ ले रहा हूं, यहां पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसी तरह से शनि के बहुत सारे, लगभग 82 के आसपास अभी तक जो ज्ञात हुआ है उपग्रह है। ये 120वां नंबर प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न है, किसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो रहा है? यानी ताजमहल का जो रंग है वो हम जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर, सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें पीलापन आ रहा है, इसका रंग धीरे धीरे
वो डिस्कलर हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? ये अम्ल वर्षा के कारण, जो फैक्ट्रियों से जो आसपास की फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे वो उसमें जो गैस होती है सल्फर गैस, वो पानी के साथ जब मिल जाता है तो बारिश में वही अम्ल वर्षा होती है जो उस ताजमहल के रंग को डिसकलर कर रहा है। तो ये थे हमारे 2022 के मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के विज्ञान के प्रश्न। और ये जो लोग आगे आने वाले वर्षों में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति या राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति देना चाह रहे हैं, या जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं जो शिक्षक, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।